हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर, आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। आज हम बात करेंगे कि सीक्वल के डेटा को एक्सेल पे कैसे ला सके, वो भी क्यूरी को टाइप करते हुए। जी हाँ, यहाँ जो हम क्यूरी के टाइप करते हैं, टाइप करके जो डेटा आता है वो हम चाहते हैं अपने एक्सेल में लेके आना। जैसे फिर एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम गेट डेटा में जाते हैं, डेटाबेस और एसक्यूएल सर्वर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ मुझसे सर्वर नेम पूछा जाता है, तो सर्वर नेम एक बार यहाँ दिख जाता है। सर्वर नेम को कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको पता है कि आपको किस डेटाबेस से लेना है, मुझे आईपीटी से लेना है, तो मैंने यहाँ पे आईपीटी का डेटाबेस डाल दिया। तो जितने लोग यहीं पे ओके कर देते हैं, ओके करने के बाद आईपीटी के अंदर जो टेबल्स होते हैं उस टेबल यहाँ पे शो हो जाता है, उस टेबल का डेटा आता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्योंकि पूरा का पूरा टेबल का डेटा आ रहा है ना, हम चाहते हैं कि इसमें से किसी पर्टिकुलर पार्ट का डेटा ले पाए या किसी एक ऐसे एरिया का डेटा ले पाए। मतलब कि हम क्यूरी में जो लिखते हैं, हम चाहते हैं डायरेक्ट क्यूरी लिखने, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज पे भी जाने से तो होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट क्यूरी टाइप लिख सकूं अपने एक्सेल में ही, एसक्यूएल की क्यूरी और एक्सेल से डेटाबेस को कनेक्ट करते हुए। तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम डेटाबेस में लिखा और यहाँ पे हमने अपना डेटाबेस का पाथ दे दिया, यहाँ पे मैंने आईपीटी दे दिया, और यहीं पे एडवांस ऑप्शन आता है जहां पे आप यहाँ दे सकते हैं अपना स्टेटमेंट। जैसे कि ये स्टेटमेंट है, तो मैंने ये स्टेटमेंट को इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट टॉप 1000, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, पूरा यहीं पे हमने यहाँ पे लिख दिया। या फिर इसके जगह पे हम डायरेक्ट जो है स्टार, पूरा चाहिए तो स्टार लगा देते हैं। स्टार लगा दिया और देखिए यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, आ गया डेटा है। मैं यहीं पे लोड कर सकता हूँ डायरेक्टली। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ कॉलम चाहिए, कुछ कॉलम नहीं चाहिए, तो क्यूरी लिखते समय आप वो चीजें लिखेंगे तो लोड करते समय डेटा पूरा यहीं पे आपको लोड होके आ जाएगा। तो डायरेक्ट सिक्वल की क्यूरी आप लिख सकते हैं इसमें, लेकिन इसके लिए आपको सिक्वल क्यूरी आपको पता होना चाहिए कि सिक्वल क्यूरी कैसे वर्क करता है। सिक्वल क्यूरी सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे आप बने रहे, मेरे यूट्यूब वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहे, और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर जो हमारा कोर्स है, इसमें कंप्लीट क्यूरी लैंग्वेज देते हैं, 2 महीने का कोर्स है हमारा, 6000 फीस है, 1-to-1 क्लास होती है लाइव जूम के थ्रू, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे बने रहे। हम इसी तरह से वीडियोज अपलोड करते रहेंगे और आप हमारी वीडियोज से सीखते रहिएगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, और कोई भी वीडियो मेरा देखे तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा सर, क्योंकि हम वीडियो के बीच में और अंत में ही मेन मेन चीजों को रखते हैं, शुरुआत में तो बेसिक कंसेप्ट होता है। ओके, बाय।